बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्याज के भाव ने बना ली है 50। प्याज के आसमान छूने से भोजनालय की थाली और पोहे के साथ मिलने वाला प्याज अब थालियों से गायब हो गया है। किचन में प्याज का केवल बघार में ही उपयोग हो रहा है। सब्जी मंडी में गिनती की दुकानों पर कुछ ही ढेर लगे हैं। प्याज के भाव लोगों को रुला रहे हैं। डिमांड का आधा भी प्याज खरगोन नहीं पहुँच रहा। सब्जी मंडी में कुछ चुनिंदा दुकानों पर ही प्याज उपलब्ध है। खरगोन में रोजाना क्विंटलों पहुंचने वाला प्याज 25 से 30 टन कम हो गया है। प्याज के दामों में बेतहाशा वृद्धि के कारण भोजनालय में थाली से प्याज गायब हो गया। होटलों में पोहे कचौरी के साथ दिए जाने वाले प्याज से होटल संचालकों ने हाथ खींच लिया है। यही हाल घरों के हैं। सप्ताह में 5 से 10 किलो प्याज ले जाने वाले ग्राहक मजबूरी में आधा से 1 किलो प्याज भी ले जा रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि महंगाई का प्याज हम कैसे ग्राहक को खिलाएं। बहुत ज़्यादा रेट हो गया। पहले 20 रुपए किलो था, 15-20 दिन पहले 30 हुआ, 35 हुआ, अब थोक में 50 रुपए किलो आ रहा है, खेरची में 60 रुपए किलो बिक रहा है। बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। देना पड़ता ना ग्राहक को, तो जो सिस्टम रखा हुआ है शुरू से है वो तो देना पड़ेगा ना। अब ये राज्य गवर्नमेंट के ऊपर है। दिल्ली गवर्नमेंट अगर 24 रुपए में उपलब्ध करा रही है तो राज्य गवर्नमेंट ने भी पहल करना चाहिए, कुछ उसका रेट कम करवाना चाहिए। पहले क्या था, 20 रुपए 25 रुपए प्याज था किलो, अब क्या 50 रुपए किलो हो गया राज्य में। अब क्या दो एक एक आधा किलो प्याज लेना पड़ रहा है बघार के लिए, वो भी आवश्यकता है। इसलिए जैसे दिल्ली सरकार ने भाव कम करे, वैसे ही राज्य सरकार भी काम भाव कम करे तो आम नागरिक पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 20-25 पहले 5-10 किलो प्याज ले ही जाते ताकि स्टॉक पड़ा रहे, पर अभी क्या है कि बस आधा किलो 1 किलो लेना पड़ रहा है, क्योंकि ज्यादा महंगा है, कैसे लेंगे। बिल्कुल परेशान है ना, वो तो इतना महंगा कैसे, बघार के लिए सब जा रहा है प्याज। अब पहले से और वो क्या होटलों जैसे पहले पोहे खाते थे वहाँ प्याजों की प्लेटें लगी रहती थी, वहाँ भी प्याज नहीं। आजकल प्याज अभी 50 से ऊपर हो गए, क्या स्थिति बाजार की? बाजार में अभी क्या है कि प्याज ग्राहक जैसे लेने आता है तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। जैसे 50 रुपए किलो के प्याज ग्राहक बड़ी मुश्किल से 1 या 2 किलो बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं। पहले इसके पहले जब 20 रुपए किलो था एक महीने पहले प्याज, तो कम से कम एक प्रति ग्राहक 5 किलो 10 किलो प्याज जैसे लेता था। बारिश ज़्यादा हो गई है, बारिश की वजह से प्याज की फसल जैसे थोड़ी ख़राब हो गई, तो ख़राब होने की वजह से भाव बढ़ा है इसमें। अब सरकार को जैसे कि सरकार ने निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है, थोड़ा दाम जैसे कि कम होगा, मतलब कि बाकी क्या है कि अभी फिलहाल तो ग्राहक को बहुत महंगा पड़ रहा है, तो ग्राहक मतलब कि बड़ी मुश्किल से मतलब ले पा रहे हैं। आवक पहले हमारे यहाँ पर जैसे कि 5-6 टन प्याज जैसे प्रतिदिन आता था और खपत भी हो जाता था। अब 2-2.5 टन प्याज जैसे कि एक दिन में जैसे कि आ रहा है, लेकिन वो भी मतलब कि बिक नहीं पा रहा है, मतलब वो भी रुक जाता है। मतलब ये प्याज महंगा है, महंगा होने के कारण जैसे कम बिकता है तो जो बड़े व्यापारी बुलाने वाले हैं वो भी जैसे कि कम मात्रा में जैसे कि बुलाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।